देश की जीडीपी की कमर टूट गई है, महंगाई ने जान ले रखी है, बाजार में नौकरियां नहीं है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक क्षेत्र में आई सुस्ती ने सरकार की नींद उड़ा दी है, इसलिए अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद दखल देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र से जुड़े सभी 6 मंत्रियों को तलब किया और पूछा कि वो हालात सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कई नई योजनाओं को आनन फानन में अमली जामा पहनाने का ऐलान भी कर दिया। 9,500 किलोमीटर लंबी सड़क, 4,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत, 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन और 2 नए बंदरगाह। We plan to award 9,500 kilometers of roads for construction this year and over 4,000 kilometers for maintenance under the new system. In railways, we plan to award work on the elevated rail corridor in Mumbai, 2 new local manufacturing units and the PPP stretch of the dedicated freight corridors, in addition to redeveloping 4 or 5 stations through PPP mode. In shipping, we have set for ourselves the challenging task of awarding work for 2 new major PPP ports, the first in decades, in addition to capacity addition targets, which are 3 times the target for the last year. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मुंबई में एलिवेटेड रेल कॉरिडोर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मालवाहक कॉरिडोर के निर्माण का खाका भी सामने रखा है। वो सारे प्रोजेक्ट 2009 से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब JNURM शुरू हुआ था तब से एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तब से पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तब से वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद मुंबई की बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट कहीं एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचा नहीं है। छोड़िए जब प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन लगना तो बहुत दूर की बात है। इन मंत्रियों में शामिल थे कपिल सिब्बल, CP जोशी, श्री प्रकाश जायसवाल, सुशील कुमार शिंदे, अजीत सिंह और GK वासन। इनके अलावा बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटिक सिंह आलूवालिया भी मौजूद थे। लेकिन इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रेल मंत्री मुकुल रॉय प्रधानमंत्री के आमंत्रण के बावजूद बैठक में नहीं पहुँचे। एक मिनिस्ट्री दूसरे के प्रोजेक्ट में टांग अड़ाती है और फिर कोर्ट कभी कभी बोलती है, और ये सरकार में कोई इच्छा राजनीतिक नहीं है तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। निर्णय की नेतृत्व की जरूरत है, वही वैकेंसी है, बिकॉज दिस इज सेपरेशन ऑफ लीडरशिप एंड ऑफिस।